आजकल के टाइम में अगर किसी के पास एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इस बात की चिंता कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, ये भले ही पूरी तरह से ना सही लेकिन कुछ हद तक तो ज़रूर कम हो जाती है। और ये बात आप सभी काफ़ी अच्छे तरीके से जानते भी हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, सभी के पास ये ज़रूर होना चाहिए, सभी को इसे ज़रूर खरीदना चाहिए। लेकिन देखिए होता क्या है ना कि जब भी कोई व्यक्ति कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बारे में सोचता है या खरीदने के लिए जाता है तो एक ऐसा सवाल है जो कि उसके सामने ना हमेशा से ही पहाड़ की तरह आकर के खड़ा हो जाता है, जो एक ऐसा सवाल है जो कि उसे हमेशा से ही ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है। और वो सवाल ये है कि उसे किस कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट में ना एक दो इंश्योरेंस कंपनियां तो है नहीं। अगर हम IRDA की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट की माने तो इस वक्त मार्केट में टोटल 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज मौजूद हैं, जिसमें कि अभी हमने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को शामिल नहीं किया है क्योंकि उसका थोड़ा अलग हिसाब किताब है, इसलिए उसको शामिल नहीं किया जाता है। तो उसको हटा दें तो 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज मौजूद हैं। और मुझे नहीं लगता कि आजकल के टाइम में सभी के पास इतना टाइम है कि वो अपने घर पे आराम से बैठ करके सभी 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के जो इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, जैसे कि किस कंपनी ने कितने क्लेम्स को हैंडल किया, उसमें से उसने कितने क्लेम्स को सेटल कर दिया, कितने क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया, कितना प्रीमियम कलेक्ट किया, तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट डेटाज हैं वो उनको एनालाइज करके अपने लिए एक अच्छी सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का चुनाव करें और फिर उस कंपनी से जा करके वो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लें। तो मुझे नहीं लगता कि सभी के पास आजकल के टाइम में इतना टाइम है। लेकिन देखिए लाइफ इंश्योरेंस तो ज़रूरी है और सभी को इसे खरीदना ही पड़ता है। तो ऐसे में आदमी क्या करता है फिर कि अपने आस पड़ोस में ना लोगों से पूछने लगता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी से मुझे खरीदनी चाहिए। तो जिसने जो कंपनी उसको बता दी ना वो उस कंपनी से जाकर के पॉलिसी खरीद लेता है, या फिर अगर कोई एजेंट आकर के उसे कन्विंस कर ले कि भाई मेरी कंपनी सबसे अच्छी है तो वो उस एजेंट की बात मान के उस कंपनी से पॉलिसी खरीद लेता है। और या फिर आजकल जो एक लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है कि भाई वेबसाइट पे लोग 5 से 10 मिनट में कंपेयर करके पॉलिसी खरीद लेते हैं तो वो फिर उस तरीके से पॉलिसी खरीद लेता है। और देखिए मेरा मानना ये है ना यहाँ पे कि ये सभी तरीके गलत हैं। मुझे ये लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस ना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपके परिवार का जो भविष्य है ना वो जुड़ा रहता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी की और की बातों में आकर के किसी कंपनी से पॉलिसी खरीदनी चाहिए। मेरे को ये लगता है कि आपके पास ना कम से कम इतना डेटा होना चाहिए कि भाई देखो मार्केट में कहने के लिए 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ज़रूर है, लेकिन ये कुछ वो गिनी चुनी कंपनियाँ हैं जिनका ओवरऑल परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से लगातार काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए। फिर जब आपको ये पता चल जाए कि हाँ ये कंपनी जो है वो अच्छी है, फिर उसके बाद आप उन कंपनियों की जो पॉलिसी खरीदेंगे ना तो उसके लिए आप अपने किसी आस पड़ोस वाले की सहायता लीजिए या किसी एजेंट की सहायता लीजिए या फिर आप किसी वेबसाइट पर जाकर कंपेयर करके खरीद लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम आपको उन कुछ गिनी चुनी कंपनियों का नाम तो पता होना ही चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ना आज की ये वीडियो बनाई गई है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इन सभी 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ में से जो टॉप 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जिनका परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से लगातार काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मतलब कि ऐसा नहीं कि बस साल दो साल अच्छा परफॉर्म कर लिया और उसके बाद फिर बस ऐसे ही चल रहा है, लगातार कई सालों से काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो उन टॉप 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। इस वीडियो को आप स्किप ना करें, इसे अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश शाह और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जिन टॉप 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, तो उन टॉप 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का जो सिलेक्शन है मैंने जिन क्राइटेरियाज के बेसिस पे किया है, सबसे पहले ना जरा उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए मैंने सभी टॉप 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का जो चुनाव है, जो सिलेक्शन है, वो टोटल 4 क्राइटेरियाज के बेसिस पे किया है और उन सभी चारों क्राइटेरियाज के जो नाम है वो इस वक्त आप सभी अपने अपने स्क्रीनों पर देख रहे होंगे। जो पहला वाला क्राइटेरिया है क्लेम्स हैंडल का, इसका मतलब ये है यहाँ पे कि मैंने सबसे पहले क्या किया ना कि जितनी भी 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं तो उनमें से मैंने उन 10 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को अलग कर लिया जिन्होंने पिछले 4-5 सालों में या फिर उससे भी ज़्यादा के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा क्लेम्स को हैंडल किया है। यानी कि अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैंने देश की जो 10 बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है ना, तो सबसे पहले मैंने उनको सेलेक्ट करके अलग कर लिया। इस वक्त आप सभी अपने अपने स्क्रीनों पर जितनी भी 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन सभी ने पिछले 5 सालों में कितना क्लेम हैंडल किया है तो उसका जो डेटा है ना वो देख रहे होंगे। तो मैंने इसी डेटा के बेसिस पे जो 10 बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा क्लेम को हैंडल किया है तो मैंने उन कंपनियों का चुनाव किया।
और वो जो 10 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिनको मैंने सेलेक्ट किया इनमें से, तो उनके नाम इस वक्त आप सभी अपने अपने स्क्रीनों पे भी देख रहे होंगे। अब जब ये 10 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज मेरे को मिल गए ना, तो इसके बाद मैंने इन सभी 10 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को ये जो रिमेनिंग के 3 क्राइटेरियाज बच गए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो और क्लेम रिजेक्शन रेशियो, तो इन तीनों रेशियोज के बेसिस पे आपस में इन सभी 10 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को फिर मैंने कंपेयर किया। अब इस वक्त आप सभी अपने अपने स्क्रीनों पे इन सभी 10 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के ये जो तीनों रेशियोज के जो डेटा है ना पिछले 5 सालों के, तो वो इस वक्त आप सभी देख रहे होंगे। अब सबसे पहले काम करते हैं कि ये जो तीनों रेशियोज है ना, तो इनको थोड़ा सा एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में, तो देखिए ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये दिखाता है कि एक कंपनी के पास एक साल में जितने टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स आए, तो उसमें से कंपनी ने कितने क्लेम्स को सेटल कर दिया, ये चीज ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो बताता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक साल में कंपनी के पास टोटल 100,000 लोग क्लेम लेकर के आए और कंपनी ने उसमें से 98,000 लोगों को क्लेम का पैसा दे दिया, तो हम कहेंगे कि भाई कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 98% का है। अब इसी क्लेम सेटलमेंट रेशियो को ना अगर हम अमाउंट के टर्म्स में समझेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि वो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो बन जाता है, जो कि हमारा अगला वाला रेशियो है। जैसे कि मान लीजिए कि जो 100,000 लोग क्लेम लेकर के आए ना, तो उनके टोटल क्लेम की जो वैल्यू थी वो वैल्यू थी 100 करोड़ रुपए की, और जिन 98,000 लोगों को कंपनी ने क्लेम का पैसा दे दिया, तो उनके टोटल क्लेम की जो वैल्यू थी वो थी 95 करोड़ रुपीज की। तो हम कहेंगे कि अमाउंट सेटलमेंट रेशियो जो बन गया ना उस कंपनी का, वो बन गया 95% का। अच्छा, यहाँ पे ना अब एक छोटी सी बात ये समझने वाली है कि जो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है ना, ये आपको हमेशा ही क्लेम सेटलमेंट रेशियो के कंपैरिजन में कम ही देखने को मिलेगा। ये दोनों कभी आपको बराबर नहीं देखने को मिलेंगे, इन दोनों के बीच में आपको हमेशा ही अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यहां पर ये भी ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस है ना, ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस 4-5% के ज्यादा से ज्यादा, मान लो 5-6% तक भी है ना, तो वो ओके सिचुएशन है। लेकिन अगर उससे ज्यादा है, तो फिर आपको थोड़ी सी जो सावधानी है वो बरतने की जरूरत है। और अगर मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10% से भी ज्यादा का हो चुका है, तो फिर मैं आप सभी को कहूंगा कि आप उस तरह की जो कंपनीज है ना, उनको आप अवॉइड करिए, उनसे आपको कोई पॉलिसी नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि ये जो ज्यादा डिफरेंस है ना, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि वो जो कंपनी है ना, वो छोटे छोटे अमाउंट के क्लेम्स को सेटल करके अपना क्लेम सेटलमेंट रेशियो बढ़ाई जा रही है, और जो बड़े बड़े अमाउंट के क्लेम्स है ना, तो उनको अटकाया जा रही है, इसलिए उसका जो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो वो कम होता जा रहा है। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, वो कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4-5% या 5-6% है तो ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इस तीसरे वाले रेशियो के बारे में। जो तीसरा वाला रेशियो है हमारा क्लेम रिजेक्शन रेशियो, तो देखिए ये रेशियो आपको ये बताता है कि एक साल में कंपनी ने कितने क्लेम्स को टोटल रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी बात आप सभी को ध्यान में रखनी है कि जब भी आप IRDA का कोई लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको क्लेम रिजेक्शन के ना 2 कॉलम्स देखने को मिलेंगे, एक जिसमें लिखा हुआ क्लेम रिजेक्टेड और एक जिसमें लिखा हुआ क्लेम रेपुडिएटेड। इन दोनों में ही ना जो क्लेम रिजेक्शन का डेटा है वही लिखा होता है, लेकिन अब क्या है कि दोनों का रीजन अलग अलग है, तो इस चक्कर में IRDA ने रेपुडिएटेड का एक अलग कॉलम बना दिया और रिजेक्टेड का एक अलग कॉलम बना दिया। बट एक्चुअली में दोनों ही कॉलम्स में जो अल्टीमेटली क्लेम रिजेक्शन का ही डेटा लिखा होता है, तो इसलिए हम सिर्फ इसको क्लेम रिजेक्शन ही मानेंगे। तो ये जो क्लेम रिजेक्शन रेशियो है, ये सीधी सी बात है कि भाई ये जितना ज्यादा कम होगा वो कंपनी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। आमतौर पर अगर आपको ये क्लेम रिजेक्शन रेशियो अगर 2-2.5% या उससे कम देखने को मिले, तो फिर आप समझिए कि कंपनी ओके है, ठीक है। और अगर आपको ये उससे ज्यादा देखने को मिलता है, तो फिर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। और अगर आपको ये 5-6% से भी ज़्यादा दिख जाए, तो फिर समझ जाइए कि भैया इस कंपनी में कुछ गड़बड़ है, ये जो है बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगा लगा के लोगों के क्लेम्स को जो है वो रिजेक्ट करे जा रहा है, तो इस कंपनी से हमें पॉलिसी नहीं खरीदनी है। तो इन्हीं 3 रेशियोज के बेसिस पे जितनी भी 10 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, इन सभी को मैंने आपस में कंपेयर किया, और फिर उसके बाद जो टॉप 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी उसको मैंने सेलेक्ट किया। और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी ने इस पूरे डेटा को भी पढ़ लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि भैया इन 10 में से जो टॉप 3 लाइफ इंश्योरेंस है वो कौन सी है। लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आप सभी को एक एक करके उन सभी टॉप 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का जो नाम है वो बताऊं। अच्छा, अब नाम बताने से पहले एक बार फिर से मैं जरा पूरा रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने जितनी भी 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी, उनमें से उन 10 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को अलग कर लिया जिन्होंने पिछले 4-5 सालों में या फिर उससे भी ज्यादा के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा क्लेम्स को हैंडल किया है। फिर उसके बाद जो 10 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हमारे सामने आई, उनको हमने फर्दर 3 रेशियोज के बेसिस पे, यानी कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो और क्लेम रिजेक्शन रेशियो, उनके बेसिस पे आपस में कंपेयर किया, और फिर उसके बाद जाकर के मैंने जो टॉप 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उनका सिलेक्शन किया। चलिए, तो अब आ जाते हैं अपने वीडियो के मेन मुद्दे पे, जिसका इंतजार आप वीडियो की शुरुआत से कर रहे हैं, यानी कि अब मैं आप सभी को बताने वाला हूं उन सभी टॉप 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के नाम।
तो जिस कंपनी को हमने नंबर 3 की पोजीशन पे रखा है उस कंपनी का नाम है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ये कंपनी अपने आप में प्राइवेट सेक्टर की एक बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इसके साथ ही साथ अगर आप इसके पिछले 5 सालों का क्लेम सेटलमेंट रेशियो का डेटा देखेंगे तो वो आपको 97 से लेकर 98% तक दिखेगा। फिर इसके बाद अगर आप इसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो का भी डेटा देखेंगे तो वो आपको जनरली 90% से ऊपर ही देखने को मिलेगा। खाली एक साल में यानी कि 2021 में आपको 89% दिख रहा होगा, लेकिन बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सब इसका ओके ही है। इसको हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते, बट इसको हम बहुत बेकार भी नहीं कह सकते। अगर आप डिफरेंस भी देखेंगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो के बीच में, तो आपको 5-6% या उससे कम ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा अगर आप इसका क्लेम रिजेक्शन रेशियो भी देखेंगे तो वो भी ओके है, 2-2.5% से आपको कम ही देखने को मिलेगा। तो पिछले 5 सालों का जो इसका डेटा है इस कंपनी का, वो काफी बढ़िया है, और उससे पहले के भी जो इसके डेटा है वो भी ठीक ही ठाक कंडीशन में है। तो इसीलिए इस कंपनी को रखा है हमने नंबर 3 की पोजीशन पे। अच्छा, यहां पे एक छोटी सी बात और कहूंगा कि यहाँ पे ना मैं SBI को भी रखना चाहता था, लेकिन SBI से ये थोड़ा बहुत हल्का सा बेटर परफॉर्म किया इसने, तो इसलिए मुझे ICICI को रखना पड़ा। अदरवाइज आप ICICI के साथ में अगर SBI को कंसीडर करना चाहते हैं तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि SBI और ICICI में 19-20 का ही अंतर है इनके परफॉर्मेंस में। लेकिन मेरे को नंबर 3 की पोजीशन पे एक ही को रखना था, तो मैंने ICICI को रख दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उस कंपनी के बारे में जिसको रखा है हमने नंबर 2 की पोजीशन। तो नंबर 2 की पोजीशन पर है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ये भी एक काफी अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है, अच्छे खासे तादाद में ये क्लेम्स को हैंडल करती है। इसके पिछले 5 सालों का अगर आप क्लेम हैंडल का रिकॉर्ड देखेंगे, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो वो भी काफी अच्छा खासा है, कई हजारों की संख्या में क्लेम्स को हैंडल करती है। और उसके बाद अगर आप इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो का देखेंगे तो वो भी काफी फैंटेस्टिक है। पिछले 5 सालों में लगातार अगर आप देखें तो इसका 98 से लेकर 99% के बीच में इसका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है घूम रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर अगर आप इसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो देखेंगे तो वो भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। वो आपको अगर आप देखें तो मिनिमम आपको 94 के आसपास कुछ दिखेगा, और मैक्सिमम ये 96.71% तक जा रखा है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है। और दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो के बीच का जो डिफरेंस है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। फिर इसके अलावा क्लेम रिजेक्शन रेशियो भी देखेंगे तो उस मामले में भी इस कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो काफी बढ़िया है। तो इसीलिए इस कंपनी को रखा गया है नंबर 2 की पोजीशन पे। तो नंबर 3 और नंबर 2 की पोजीशन पे कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका नाम आप सभी ने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे उस कंपनी की जिसको हमने रखा है नंबर 1 की पोजीशन पे। उस कंपनी का नाम है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, LIC इस देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तकरीबन कुछ 64-65% के आसपास के पूरे मार्केट पे जो है वो इस एक लौती कंपनी का कब्जा है। बाकी के जितने भी बच जाते हैं 35-36% उस पर बाकी सारी जो 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वो खेल रही हैं। और ये कंपनी साइज में इतने बड़े होने के बावजूद भी हर साल लाखों की संख्या में क्लेम हैंडल करने के बावजूद भी अपना जो इसने क्लेम सेटलमेंट रेशियो का जो मतलब एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही बढ़िया मेंटेन करके रखा हुआ है। यूं ही इसकी पॉलिसी इतनी ज़्यादा नहीं बिक जाती, यूं ही जो करोड़ों लोग हैं इसके ऊपर भरोसा नहीं कर लेते, वो इसके जो डेटा है ना वो साफ साफ इस बात को दिखा रहे हैं कि भाई इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कितना बढ़िया है। आप पिछले 5 सालों का अगर इसका डेटा देखेंगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो का, तो वो भी काफ़ी फैंटेस्टिक है। 97 से आपको जनरली ये 97 और 98 के आसपास में ही दिखेगा। फिर इसके बाद अगर आप इसके पिछले 5 सालों का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो का डेटा देखें तो वो भी काफ़ी फैंटेस्टिक है, 93% से लेकर के 96% तक जा रखा है। सबसे अच्छी बात क्या है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर इसके बाद अगर आप इसके क्लेम रिजेक्शन रेशियो का डेटा देखेंगे तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो इस कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से लगातार काफी बढ़िया काफी अच्छा बना हुआ है। हाँ, बाकी इसने एक पॉलिसी में कुछ गड़बड़ करी थी जिसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस भी एक टाइम पे बना दी थी, तो उस पॉलिसी को अगर मैं हटा दूं तो बाकी मामले में कंपनी ठीक ही है। तो मेरे रिसर्च के हिसाब से यही है हमारे देश की टॉप 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। बाकी आपके हिसाब से कौन सी कंपनी बेस्ट है, आपको अगर किसी कंपनी को टॉप 3 की लिस्ट में रखना तो आप किन किन कंपनियों को रखते, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, अब जाते जाते एक छोटी सी बात आप सभी से और करना चाहूंगा कि देखिए, कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैंने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को शामिल नहीं किया इसमें। तो देखिए, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को शामिल करना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज उसका थोड़ा अलग हिसाब किताब है और बाकी की जो इंश्योरेंस कंपनी का अलग हिसाब किताब है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हैं और अगर आप कोई एंडाउमेंट प्लान परचेज करना चाहते हैं, याद रखिए एंडाउमेंट पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस या बाकी कोई नहीं कह रहा हूँ मैं, एंडाउमेंट प्लान कभी परचेज करना चाहते हैं और एलिजिबल हैं आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए, तो आप उसी से परचेज करिए। वो काफ़ी बढ़िया है क्योंकि उसका प्रीमियम भी काफ़ी कम है और
जो बोनस का अमाउंट है वो उसका काफ़ी अच्छा रहता है। मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा उसके बोनस के ऊपर, तो बोनस का रेट भी उसका बढ़िया रहता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं और एंडाउमेंट पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाकी जो मैंने बता दिए हैं तो इन सभी पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सी हैं इस वक्त हमारे देश की टॉप 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़। तो बस मेरी तरफ से तो अब इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके हिसाब से इस वक्त हमारे देश की कौन सी है बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसका नाम लिखना भी ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें, और सब्सक्राइब करते टाइम जो नोटिफिकेशन बेल वाला बटन होता है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुँच जाए। तो बस आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।